लाखों करोड़ों भारतीय भी जुड़ रहे हैं। यदि इस कंट्रीब्यूशन में जिस स्टेज में हम आज हैं उसमें लाखों हाथ करोड़ों हाथ भारतवासियों के जुड़े हुए हैं, तो जो कुछ हमने आज प्राप्त किया है यदि हम उसको निगेट करते हैं, उसको अस्वीकार करते हैं, उसको नकारने का काम करते हैं, इसका अर्थ है हम अपने उन लाखों भारतवासियों की, करोड़ों भारतवासियों की जो उपलब्धि है, जो उनकी मेहनत का परिणाम है, उसको नकारने का काम कर रहे हैं, उसको अस्वीकार करने का काम कर रहे हैं। बावजूद सारी परिस्थितियों के आज भी हम दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है दूसरे देशों के अंदर हम उससे इनकार नहीं कर सकते, उससे आज बच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आज एक प्रकार का हर देश एक ग्लोबल विलेज के रूप में परिणत हो गया है। तो इसमें जो दूसरे देशों में हो रहा है उसका प्रभाव निश्चित तौर पर हमारे वहाँ पड़ रहा है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो कुछ यूरोप में हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है और उसकी कीमत हमको अदा करनी पड़ती है। यदि अमेरिका में स्लो डाउन है, जापान में स्लो डाउन है, तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था छुट्टी रह जाएगी, इसको कोई नहीं कह सकता। यदि गल्फ कंट्रीज के अंदर कुछ झगड़े हैं, वहाँ से हमको तेल जिस दाम पर मिलना चाहिए था उस दाम पर नहीं मिल पा रहा है, हमको और महंगा खरीदना पड़ रहा है, तो उसका प्रभाव हमारी इकोनॉमी पर क्या पड़ रहा है हम उसे इनकार नहीं कर सकते हैं। यदि कुछ और कंस्टेंट हैं जो कंस्टेंट हमारे रास्ते में हैं, तो उनको वो किसी एक इंडिविजुअल के या किसी एक पार्टी या एक सरकार के साथ जुड़े हुए कंस्टेंट नहीं है, बल्कि हम जो आज का एनवायरनमेंट है, जो आज का वातावरण है, उस वातावरण के कंस्ट्रेंट हैं, उसकी बाधाएं हैं और उन पर मिलजुल करके ही हम पार पा सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम पार पा सकते हैं। मैं देखता हूँ इधर बहुत एक नकारात्मक वातावरण कई तरीके से बन रहा है, उसमें कई जाने अनजाने में कंट्रीब्यूट करने का काम करें, कभी कभी हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी कंट्रीब्यूट करने का काम करें। आज मैं एक काम की मॉनिटरिंग कर रहा था, देख रहा था अपने एरिया के, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के, जब मैंने पूछा, मैंने कहा भाई इसमें इतनी देर तो होगी, ये तो पिछले दिनों तय हो गया था, ये सारी चीज़ें तय करी गई थी, तो मुझे पता चला कि कुछ लोग उसके खिलाफ कोर्ट में मूव कर गए, तो 6 महीने से कोर्ट में तारीख नहीं लग पा रही है। तो अब ये इस तरीके की बाधाएं हैं जिनको मैं तो एक छोटी सी बात का आपसे जिक्र कर रहा हूँ, मगर ये छोटी सी बात जो बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, आज बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, उन सबके लिए एक उदाहरण मान रहे हैं, एक छोटा उदाहरण मान सकते हैं, मगर उसको हम एक दाना देख करके जिस तरीके से पतेली का अंदाज आ जाता है, तो आज जो कुछ हो रहा है वो सबको देख करके इस बात का अंदाज आता है कि हमारे आगे बढ़ने में कहीं 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 पर हम कुछ ऐसा कर दे रहे हैं जो शायद हमको नहीं करना चाहिए, और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो पीछे की गलतियों को रिविजन करने का काम करते हैं, उनको देखने का काम करते हैं, उनको समझने का काम करते हैं। तो मैं आप सब लोगों के बीच में यह कहना चाहता हूँ कि कहीं यदि कुछ कमियाँ रह जा रही हैं तो हमारा दिल खुला होना चाहिए, मन मस्तिष्क खुला होना चाहिए, ताकि हम उसको देख करके जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उनको ठीक करने का काम कर सकें। और मैं समझता हूँ ये बात कहने के लिए आपके बेहतर कोई फोरम नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने भी अपनी जो पीछे की कमियाँ हैं उनको देखते हुए जब उनको दुरुस्त करने का काम किया, तब आज आप इन उपलब्धियों तक आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपके जब आप सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, सब यहाँ पर आए हैं अपने एक दूसरे को चेयरअप करने के लिए, एक दूसरे को बकअप करने के लिए, एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे के अचीवमेंट को स्वीकार करने के लिए, तो मैं भी इसका भाग बन सका हूँ अमर सिंह जी के, सोनी सिंह जी और दूसरे मित्रों के साथ, उसमें इसकी बेहद खुशी है। मैं उन सब अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो आज यहाँ पर पुरस्कार पाएंगे, और जिन लोगों ने इस अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया है, मैं अपने उन दोस्तों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनकी फॉरवर्ड मूविंग इसका। Thank you very much, Harish Rawat ji, for your insightful views. May I now please request Mr. Amar Singh ji to say a few words, please. Bhai Sulanki ji, mere adhyaksh, aur do dashkon se zyada बहुत नज़दीक से जिनको देखने और जानने का सौभाग्य मिला, ऐसे मेरे बड़े भाई
पहले और मन की बात में आइए हरीश राम जी और आज के समारोह में उपस्थित सभी उपलब्धि से विभूषित महानुभाव हमारी माताएं बहने अपने भाषण में अपने व्याख्यान में बोलते हुए लोकशाही की बाधाएं और किस तरह से उपलब्धियों को प्राप्त करने में कई अड़चनों के साथ साथ विभिन्न अड़चनें आती हैं इसका उल्लेख किया और ये भी बताया कि भारत में उन्नति और प्रगति का सार अनेकता में एकता है। अगर हम यूरोप का इतिहास देखें तो नस्लवाद और भाषाई और सूबाई विभाजन के कारण वहां कई सौ साल तक रख पाते। सिर्फ जर्मनी और फ्रांस का इतिहास अगर हम देखें यूरोप का तो आज यूरो डॉलर का कंसेप्ट आने में पता नहीं कितना रक्तपात हुआ, कितनी हजारों लाखों लाशों का अंबार लगा। लेकिन हमारे देश के दक्षिण भारत में ये भाषा नहीं, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र में तेलुगु और केरल में मलयालम, फिर भी हमारा भारत नहीं। फिर भी अगर भारत क्रिकेट में जीतता है और रन बनाता है तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक समस्त भारत खड़े होकर के तालियां बजाता है और जीत जाने पर वर्ल्ड कप मिलने पर अगर रिकॉर्डिंग कर सके, अगर कोई सैटेलाइट कैच कर सके उस यूफोरिया को, तो न भाषा का विवाद रहता है न शब्दों का विवाद रहता है, हर जगह पटाखे चलते हैं और भारत माता की जय जयकार। इस अनेकता में जो एकता है उसका एक अद्भुत गुण है। लेकिन मैं भाई हरीश राव जी से सहमत हूं, आजकल देश में कहीं सहयोग का वातावरण नहीं, आजकल विरोध संभ्रांत तरीके से नहीं हुआ है, राजनीतिक विरोधी विरोध का स्तर ऐसा रखें कि जैसे कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल वार नहीं, राजनीति में कोई तर्क संगत वैचारिक मतभेद का मंच नहीं है, बल्कि दो बड़े बड़े गैंग के मुखिया आपस में गैंगवार कर रहे हैं। इस स्तर की राजनीति और इस स्तर की पत्रकारिता, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, न्यायपालिका ये मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं कहूंगा तो कल एक नोटिस मिल जाएगा, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश कपाड़िया जी मुख्य न्यायाधीश का पद छोड़ने के दिन अपने विदाई समारोह में उन्होंने कहा कि कई सरकारी फैसले जिसकी बड़ी चर्चा हुई, जिसमें से एक 2G का भी फैसला था, उसमें एक्चुअल लॉस माने असल घाटा नहीं, ये जो घाटा है ये संभावनाओं का घाटा है। लेकिन अब बात मानने में और कहने में उन्होंने जब तक अपने भाषण में बात कही तब तक बहुत देर हो चुकी थी, कई लाख करोड़ के घाटे की चर्चा हो चुकी थी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि भारत में अगर सबसे सफल कुछ कार्यक्रम रहा है तो मोबाइल का है, रिक्शे वाले के पास भी है, एक मजदूर के पास भी है, एक बड़ी वैभव और तालिका में रहने वाला धनाढ्य उसके पास भी है, तिपहिया स्कूटर चलाने वाला है वो भी मोबाइल लेके घूम रहा है। तो एक चीज जिसका दाम घटता रहा वो मोबाइल है। अगर मान लीजिए लाखों करोड़ रुपए का नीलामी कर दिया जाता है तो उसका भार किसको पड़ेगा? तो जो मोबाइल जो आप सामान्य जन के हाथ में देख रहे हैं वो भी सामान्य जन के हाथ में नहीं होता, लेकिन इसका विश्लेषण करने का समय किसी के पास नहीं। आज इस कार्यक्रम में आने का जब मुझे निमंत्रण भाई सोलंकी जी की तरफ से मिला तो हमारे कार्यक्रम को देखने वाले लोगों ने कहा कि भाई इसमें तो किसी नामी ग्रामीण हस्ती का नाम नहीं, इसमें अंसल नजारत है, इसमें यूनिटेक नजारत है, इसमें डीएलएफ वाले नजारत है, इसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका नाम पढ़ करके लगे कि यह कार्यक्रम किसी स्तर का कार्यक्रम होगा। मैंने कहा इसलिए इस कार्यक्रम में जाते क्योंकि अनहर्ड अनसंग लोग जो है,
जिन्होंने आपके किचन को सजाया है, जिन्होंने आपके घर में मार्बल लगाया है, जिन्होंने छोटे छोटे क्षेत्रों से आपके घर को घर बनाया है, ऐसे गुमनाम लोगों को नाम देने का काम जो आपने सतेंद्र भाई किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। और श्रोता अच्छे हो और माइक ठीक हो, तो जो साधु और नेता जो वही होता है जो बोले और बोले, तो हम लोगों को बोलना और बोलना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं बोलते हुए आ गया हूँ और बोलते बोलते बोल भी रहा हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमारी संस्कृति की एक सीधी सपाट बात है कि जरदार मर्द नहर चाहे घर रहे चाहे बाहर, और बेजार मर्द बिल्ली चाहे घर रहे चाहे बिल्ली। जरदार मतलब जिसके पास संपत्ति हो, सुख हो, नहर मतलब उसी, तो जरदार मर्द नहर चाहे घर रहे चाहे बाहर, और बेजार मर्द बिल्ली चाहे घर रहे चाहे बिल्ली। तो लेकिन जरदार कौन है, इसको उसी को जरदार को बोलते हैं जिसके ऊपर सर पर कम से कम छत है, उसके बाद उसका ड्राइंग रूम कैसा है, उसका डाइनिंग रूम कैसा है, उसकी कचौरी कैसी है, वो हितकारी की है या वर्षासे की है, ये बात का प्रश्न, लेकिन घर की छत पहले बनाओ और उस छत को बनाने का काम आप लोग करते हैं। और ऐसे तमाम लोग जिनके बारे में मैं भी नहीं जानता था, इसलिए मैंने उनके साथ से कहा कि मुझे एक सूची दे दीजिए, उन लोगों का की सूची दे दीजिए जो आज एक सज्जन है वो छतरपुर में रहते हैं, अभी मिले, कहने लगे कि मैंने कहा आप क्या करते हैं, मैं शिमला में कॉटेज बना लिया। तो ऐसे ऐसे तमाम लोग और उनकी उपलब्धियों को दिखार करके सामने रखना, मैं समझता हूँ कि अपने आप में सोलंकी जी अपने आप में आपको भी इस इन अचीवर्स को रिकॉग्नाइज करने का जो एक महान काम आप कर रहे हैं, इसके लिए कोई अवार्ड जो है वो कम से कम सरकार को आपको देनी चाहिए। सबको देखा आपके भाव के लिए, आपके बोध के लिए। अब मैं तो चूंकि सरकार में नहीं हूँ, लेकिन सरकार में हमारे बहुत अच्छे मित्र, हमारे बड़े भाई हैं और लगातार जमे हुए हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि कई सराब साहब के लिए कि मैंने इतनी दृढ़ता और संकल्प का व्यक्ति नहीं देखा जो चट्टानों के प्रदेश से है और चरित्र भी जिसका चट्टान है। वो बच्चे ये सब लोग इस संस्था को और परंपरा को और इसके पीछे की भावना को बड़ी द्रुत गति से आगे बढ़ाएंगे, और आज सभी उपलब्धि कर्ता महानुभाव जो है उपस्थित है विभिन्न क्षेत्रों में, उनको मेरी फेरों शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद देना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट ओस्कर फर्नांडिस जी, हरीश रावत जी और हमारे बड़े भाई अमर सिंह जी को, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जिन सभी साथियों का सहयोग रहा उनको बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आज ये जो प्रोग्राम है, जो भी सरकारें हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर पूरे प्रदेश में, सभी प्रदेशों में काम कर रही हैं, वो एक आम हिंदुस्तानी को जो उसकी एक मूलभूत समस्या है, रहने के लिए उसको एक घर की आवश्यकता है, वो घर देने का काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद पूरे हिंदुस्तान में कितने सारे लोग हैं जो हर एक हिंदुस्तानी को घर देने का काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में जितने भी लोग हैं, और उसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि आने वाले बहुत सारे साल अभी लगेंगे जब हर एक हिंदुस्तानी के पास उसके पास अपनी एक छत होगी, अपना एक घर होगा, उसका सपना पूरा होगा कि हाँ मेरा भी घर है। तमाम शहरों में, किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, कस्बे में आप जाइए, बहुत रिक्वायरमेंट है लोगों के पास, रहने के लिए छत भी नहीं है, घर भी नहीं है। तो आप सब लोग मिलकर उस सपने को पूरा करने का काम कर रहे हो जो हर एक हिंदुस्तानी की आवश्यकता भी है, उसका एक सपना भी होता है कि मेरा अपना एक घर हो। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज के अपने जो मुख्य अतिथि हैं सबका, और इसके साथ साथ इंडस्ट्री में इस सपने को जितने भी लोग साकार करने का काम कर रहे हैं, आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितना कि सरकार को जो एक काम करना था, जो हमारी सरकारों को हमें आसियाना बना के देना था,
लेकिन उस काम में आप लोग सहयोग कर रहे हो, बढ़ चढ़ कर आप उस सपने को पूरा करने का काम कर रहे हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर तहे दिल से भाई अमर सिंह जी का और हरीश रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर हमारे बीच में आने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Now, ladies and gentlemen, we will be moving forward with our next category of awards, Real Estate Most Enterprising COO of the Year. And this award goes to Mr. Nitish Kumar, TDI Infracorp Limited. Ladies and gentlemen, I seriously thought after a performance, you all must be really energetic now. आपका भी मन कर रहा होगा कि आप stage पे आ जाओ and to perform a little. Your performance will be evaluated on the basis of your claps. So please keep applauding. Broker in Bangalore, and this award goes to Trend Shelters. May I please request Mr. Saqib Ilyas to come up on the stage, please. Started my business a decade back. Everything was a dream, and today I'm seeing that dream come through. Thank you all my customers. Thank you Trend Shelters team. Thank you my dad. Love you. It's because of you I'm here. And thank you everyone for this wonderful award. Thank you. Moving on to the next category of the awards, which is for the best architect, hospitals, institutions and commercial in Delhi. This award goes to Virendra Sharma and Associates. May I please request Mr. Virendra Sharma, Principal Architect, to please come up on the stage to take this award. Residential developer in Bhubaneswar, and this award goes to Satyabadi Construction Private Limited. Mr. Manoj Kumar Tripathi, may I please request you to come up on the stage, please. Next category of award is for the best luxury project in Rajasthan. Exclusive 444. May I please request VN Buildtech Private Limited's Mr. Naveen Kumar to please come up on the stage.
next award is for the best integrated township in Gwalior, and this award goes to Mantri City. May I please request Mantri Realty Limited to come up on stage, please. Next category of award is for the Best Developer Award, Affordable Residential in Karnataka. Value and Budget Housing Corporation is the winner. May I please request Mr. Vivek Singh, Regional Business Head, NCR, Mr. Anuj Kumar Goyal, DGM, NCR, to come up on the stage, please. Luxury in Central India. This award goes to Chug Realty. May I please request Mr. Mohan Chug, Chairman, and Mr. Vivek Chug, Director, to come up on the stage, please.